आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो डोरमेट की तरह और पूजा के आसन की तरह टेबल चेयर किसी भी चीज़ पे आप इसको बिछा सकते हो तो देखिए आपने क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे अगर ऐसे ही बनाना है तो आपने क्या करना है थर्टी थ्री फंदे डाल लेने हैं तैतीस फंदे डालने हैं और मैं देखिए फर्स्ट से ही बताऊंगी देखिए फंदे डालने के बाद मैंने क्या किया था फर्स्ट रो हमारी जो आई थी फ्रंट साइड से आई थी तो यहाँ पे भी देखिए हमारी फर्स्ट रो फ्रंट साइड से ही है तो हमने क्या करना है सबसे पहले तो हमने यहाँ पे जो हम पहला फंदा है ना स्टार्टिंग का फंदा हमने उतार लेना है देखिए इसको हम बनाएंगे नहीं सिर्फ हमने देखिए इसको इस तरीके से निकालेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और बाकी के जो फंदे हैं इसको हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बना लेंगे और साथ में मैं काउंट करके भी दिखा देती हूँ यहाँ पे थर्टी थ्री फंदे हैं तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और ये बत्तीस लास्ट का एक फंदा धागा पीछे करके सीधा बनाना है देखिए इसको हर बार ही हम फ्रंट साइड से सीधा बनाएंगे तो देखिए ये जो किनारी है ना हमारी बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ बन के आएगी आ जाएंगे बैक साइड पे तो अब हमने क्या करना है जो पहला वाला फंदा है इसको उतारेंगे उसके बाद हमने बाकी की रो बैक साइड से भी पूरी रो हमने उल्टा उल्टा बना लेना है और लास्ट में आके क्या करेंगे देखिए सबसे पहले तो हम पूरी रो बनाते हुए जाएंगे और एक बात दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं इस तरीके की कोई भी वीडियो डालो ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से आ जाए और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ तो देखिए बाकी की भी हमने इसी तरीके से बना ली है और लास्ट में आके जो हम तीन फंदे हैं ना उनको छोड़ देंगे यहाँ पे हमने तीस फंदे बना लिए हैं और लास्ट के तीन फंदे छोड़ दिए हैं तो यहीं से फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे अगेन हमने पहला फंदा उतार लेना है देखिए पहले फंदे को हम बनाएंगे नहीं बाकी की रो हम इसी धागे से बनाते हुए आएंगे यहाँ पे लास्ट का एक फंदा हम सीधा बनाएंगे तो मैं इतना बना लेती हूँ पहले आ जाएंगे बैक साइड पे अगेन हमने देखे बैक साइड पे क्या करना है सबसे पहले तो पहला फंदा हम उतार लेंगे उसके बाद हमने पाँच फंदे उल्टे बनाने हैं देखिए इसको भी काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच और ये छः और इतना ध्यान रखना आप लोग जब भी हम कलर चेंज करेंगे ना हमने बैक साइड से कलर को चेंज करना है तो अब हमने क्या करना है देखिए छः फंदे इस कलर से बना लिए दो चार छः अब हमने यहाँ से कलर चेंज करना है और मैं यहाँ से पिंक कलर लगा लूँगी आपको जो भी कलर पसंद है उसको आप लगा लीजिए देखिए साथ में ही काउंट भी करेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस फंदे बनाएंगे और तीन फंदे फिर से छोड़ देने हैं देखिए पहली सिलाई पे तीन फंदे छोड़े थे अब तीन फंदे छोड़ेंगे तो ये हमारे छह फंदे हो गए और यहीं से ही आ जाना है फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे देखिए पहला फंदा हमने उल्टा बनाना है बाकी के फंदे ये इक्कीस फंदे देखिए पिंक कलर से बनाएंगे और छह फंदे देखिए इस कलर से है हमारा आ जाएंगे यहीं से ही बैक साइड पे बैक साइड पे हमने क्या करना है सबसे पहले ये जो छह फंदे हैं ना इसको हमने इसी कलर से बना लेना है और स्टार्टिंग का फंदा उतारेंगे बाकी के ये पांच फंदे हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं देखिए फिर से हम कलर चेंज करेंगे और इस वाले कलर से हम बाकी के फंदे बनाएंगे। फिर से हमने यहाँ पे अठारह फंदे बनाने हैं और तीन फंदे छोड़ने हैं तो देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और ये अठारह फिर से तीन फंदे छोड़ दिए यहीं से ही आ जाएंगे फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे हमने क्या करना है आपने क्या करना है फ्रंट साइड पे ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसके बाद आपको फ्रंट साइड से नहीं बना के दिखाऊंगी क्योंकि फ्रंट साइड से हमने कुछ भी नहीं करना है जो फंदा जैसा है ना वैसे ही बना लेंगे तो देखिए पहले जो हमने फ्रंट साइड से ये वाली रो हम इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए पिंक कलर से मैंने अठारह फंदे बना लिए धागे को फिर से देखिए यहाँ पे क्रॉस पे रखना है इतना ध्यान रखना आप लोग उसके बाद हमने छः फंदे इस कलर से बना लेने हैं पाँच फंदे उल्टे बनाएंगे धागा पीछे लास्ट का एक फंदा ये सीधा बना लेना है आ जाएंगे बैक साइड पर अगेन हमने बैक साइड पर देखे पहले तो ये छः फंदे बना लेंगे पहला फंदा उतारा बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे उसके बाद फिर से देखिए कलर चेंज करना है बाकी के फंदे हम पिंक कलर से बनाएंगे लास्ट का एक तीन फंदे फिर से छोड़ेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह फिर से तीन फंदे छोड़ दिए और यहीं से ही आ जाना है फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे छह फंदे देखिए इस कलर से बनाने हैं पहला फंदा उतारा बाकी के फंदे देखिए ये फंदे हमने हर बार ही इसी कलर से बना लेने हैं फिर से देखिए हमने, हमने कलर चेंज करना है बाकी के फंदे हम इस कलर से बनाएंगे तीन, से तीन फंदे फिर से छोड़ेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फिर से तीन फंदे छोड़े यहीं से ही फ्रंट साइड पे आएंगे. फ्रंट साइड पे पूरी रो बना के कंप्लीट कर लेंगे अगेन हम बैक साइड पे आ गए बैक साइड पे फिर से पहला फंदा उतारेंगे ये छः फंदे हमने इसी कलर से बनाने हैं धागा फिर से चेंज करना है पिंक कलर से अब हम नौ फंदे बनाएंगे और तीन फंदे फिर से छोड़ेंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये नौ तीन फंदे फिर से छोड़ देने हैं आ जाना है फ्रंट साइड पे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे तो देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे यहाँ पे हमने फिर से छः फंदों को तो ऐसे ही बना लेना है और उसके बाद हमने फिर से कलर चेंज कर लेना है देखिए पिंक कलर लगाना है अब हम छः फंदे फिर से पिंक कलर से बना लेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ फिर से तीन फंदे छोड़ दिए फ्रंट साइड पे आ जाएंगे फ्रंट साइड पे जो फंदे जैसे हैं बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे अगेन हमने बैक साइड पे ये जो छह फंदे हैं इनको बना लेना है पहला फंदा उतारा बाकी के फंदे देखिए इसी कलर से बना लेंगे छह फंदे टोटल ये छह फंदे हैं और उसके बाद कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे अब की बार हमने तीन ही फंदे ये पिंक कलर से बना लेने हैं देखिए दो तीन फिर से तीन फंदे छोड़ देने हैं यहीं से ही फ्रंट साइड पे आएंगे फ्रंट साइड पे जो फंदा जैसा है बना के कंप्लीट कर लेंगे देखिए फिर से आ गए बैक साइड पे। बैक साइड पे फिर से हमने छः फंदे तो ये वाले बना लेने हैं एक पहला फंदा उतारा दो तीन चार पाँच और ये और देखिए यहाँ पे अब हमारे तीन ही फंदे बचे हैं और यहीं से ही आ जाना है हमने फ्रंट साइड पे। फ्रंट साइड पे हमने देखिए फिर से क्रॉस पे रखना है धागे को और अब की बार हमने इन्हीं छः फंदों को बना लेना है इस कलर से और यहाँ पे देखिए अब हमने लास्ट का एक फंदा ये हर बारी सीधा बनाना है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया फर्स्ट सिलाई से ही देखिए जो हमने बैक uh, साइड से बनाई थी ना वहाँ से हम फंदे छोड़ते आए थे बैक साइड पे हर सिलाई पे हमने तीन तीन फंदे छोड़े हैं तो देखिए यहाँ पे हम तीन तीन दूनी छः तीन तीन नौ तीन चक्कू बारह तीन पंच पंद्रह तीन छ अठारह तीन सत्ता इक्कीस तीन, तीन अट्ठारह चौबीस तीन नम सत्ताईस सत्ताईस फंदे हमने यहाँ पे तीन तीन करके छोड़ दिए हैं और यहाँ पे देखे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ टोटल हमने बैक साइड पे हर बार जब एक एक सिलाई बनाई थी ना टोटल हमने बैक साइड से नौ सिलाइयाँ बनाई हैं तो नौ ही फंदे छोड़े हैं देखिए फ्रंट साइड पे तो जो फंदा जैसा था वैसे ही बना लिया अब आ जाएंगे बैक साइड पे अब हमने क्या करना है यहाँ पे जो हम तीन तीन करके फंदे छोड़ रहे थे ना अब सारे ही हमने इसी कलर से बना लेने हैं देखिए पहला फंदा उतारा उसके बाद ये छह फंदे हमने पहले बना लेने हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः उसके बाद ये जो तीन तीन करके फंदे छोड़ रहे थे ना इनको भी बना लेंगे छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह 19, बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस और ये 33. जो हमने स्टार्टिंग में सिलाई में फंदे डाले थे ना वो हमारे अब यहाँ पे थर्टी थ्री फंदे हैं तेतीस फंदे हैं और हमारी ये डिजाइन की आखिरी रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है अब क्या करना है यहाँ से हमने फिर से यही डिजाइन स्टार्ट कर लेना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी ना फ्रंट साइड से वैसे ही बना लेनी है तो देख सिर्फ हमने क्या करना है कलर ही चेंज करना है और बनाना वैसे ही है तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए बहुत ही ईजी है कमेंट करके मेरे को बताना डिजाइन आपको कैसा लगा तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ और चैनल पे नए हो तो फिर से बोलूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकन को भी दबा दीजिए वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तो मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय